स्वीट होम। मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा है कि कल हमें स्कूल नहीं जाना, हम आराम से सो सकते हैं। हे बॉयज, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अपने अपने पजामास तो पहन लो। ठीक है वैंडी। लेकिन मैं तो बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, मैं तो अभी भी मजे कर सकती हूँ। ऐसा लगता तो नहीं। अभी बताती हूँ। चलो बी बॉयज, जितनी जल्दी चेंज कर लोगे उतनी जल्दी सोने जा सकते हैं। हाँ वैंडी, बस हो ही गया। बहुत लकी हो, हमें तो अभी नेवरलैंड तक जाना है, है ना टिंकरबेल? टिंकरबेल? वो क्या चीज है जो तुमने डेस्क पर रखी है? ओह, वो कॉफी है। वो बड़े लोगों की चीज है, उससे नींद नहीं आती, उसका स्वाद भी कड़वा है। मैं तो एक कप भी खत्म नहीं कर पाई। मॉम सही है, ये बच्चों के लिए है ही नहीं। और हम सब में सबसे छोटी कौन है? टिंक। तो वेंडी की बात मानने में ही भलाई है। वेंडी ऐसी है, वेंडी वैसी है, वेंडी ब्ला 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 ब्ला। टिंक छोटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बाकी परियों के मुकाबले टिंक काफी बड़ी है। टिंक, चलो चले। परिया, ध्यान से जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो टिंक। रास्ता छोड़ो, टिंकरबेल आ रही है। ओ, हे, मेरे लिए रुको। क्या कर सकते हैं अब? ओ नहीं, हवा से मेरे बाल फिर से बिगड़ गए। उड़ने का यही नुकसान है। मेरा ब्रश कहाँ गया? मुझे यकीन है मैंने इसे यही रखा था। अजीब है, मुझे याद है कप में बहुत कॉफी थी। माइकल, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे कंप्यूटर पे पूछे बिना गेम्स मत खेलो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, मेरा मॉडल जॉन, ये तुमने क्या किया? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब कैसे हो रहा है? Neverland, sweet Neverland. ओ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब टिंक को गुस्सा आ रहा है। ये सब क्या है? हे, यहाँ कोई है? हाँ, मैं हूँ ना। तुमने टिंकरबेल को देखा क्या? वो इतनी जल्दी आ गई कि वो। हाँ, मैंने टिंकरबेल को देखा। वो इतने खराब मोड में आए और उसने हम सबको निकाल दिया। टिंकरबेल? क्या? वाओ! बस भी करो। टिंक ने कहा ना कि कोई टिंक को परेशान नहीं करेगा। अपनी टांग अड़ाकर मुझे सताना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा ब्रश आखिर गया कहाँ? मेरे पोस्टर्स। माइकल, बहुत ही बेकार मजाक है ये। तुमने मेरे पोस्टर्स खराब क्यों किए? क्या हुआ वेंडी? किसी ने मेरे पोस्टर्स पर ड्राइंग किया है। इसने किया है। इसने किया होगा। हमारी अलमारी, अलमारी में कुछ तो है। जरूर नेवरलैंड से कोई राक्षस हमारे पीछे आया होगा। नहीं, मेरे मॉडल से नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान से। बच्चों, आखिर तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। हम अभी बस सो नहीं जा रहे थे। वो दरअसल एक मच्छर। हाँ वही तो। हाँ। एक मच्छर ने हमारी नींद खराब कर दी मॉम। एक बड़े से मच्छर ने। हाँ। लेकिन वो अब चला गया और हम सोने जा रहे हैं। ओके, गुड नाइट मॉम। मैं बंद कर देती हूँ। अब ये बंद हो चुका है, मैंने इसका प्लग जो निकाल दिया। मुझे अपनी किताबें वहाँ रखनी ही नहीं चाहिए थी, है ना? ठीक है,
आधे घंटे में तुम सब सो जाना। मैं देखने आऊंगी कि तुम सोए हो कि नहीं। टेंशन मत लीजिए मॉम, गुड नाइट। ओह नो, मेरी किताबें। सुनो तुम, यहाँ आओ। क्या तुम टैंक से बात कर रही हो? बोलो भी टैंक, क्या बात है? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तुम्हें कभी लाल कपड़ों में नहीं देखा। तो क्या अब टैंक अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकती? अब क्या टैंक और जनाब पीटर पैन की इजाजत लेनी होगी? नहीं तो, लेकिन वेंडी हमेशा कहती थी वेंडी, कि वेंडी वेंडी जाब देखो वेंडी, तुम दिन भर उसी का नाम जपते रहते हो, बस भी करो। वेंडी ने ये किया, वेंडी ने वो किया, वेंडी वेंडी वेंडी, अब टैंक वेंडी से तंग आ गई है। नन्ही परी हाथ लग गई। नहीं, मैंने पकड़ लिया। तो मेरा भाई और मेरी बहन, आई थिंक एक प्रॉब्लम हो गई है। तीन तीन टिंकरबेल्स, ये कैसे हो सकता है? ये कॉफी की वजह से हुआ है। टिंक को वो नहीं पीनी चाहिए थी। वो कॉफी जो तुमने डेस्क पर रखी थी, वो एक परी पर हावी होने के लिए जानी जाती है। वो परियों के चार अलग पर्सनालिटीज को अलग अलग कर परियों में ढाल देता है। चार? ऐसी चार टिंकरबेल्स है? जी हाँ, परियां प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो वो चारों तत्वों से बनी है, बिल्कुल हमारी प्रकृति की तरह। मैं पृथ्वी हूँ, समझदार और शांत। और ये हवा है, बिल्कुल बेकाबू और बेढंगी। ओ, मैं बेकाबू और बेढंगी हूँ। और मैं पानी हूँ। वाव, वो कितनी सुंदर है। खूबसूरत, चमकती, चमचमाती, परफेक्ट। और हम्बल भी। और चौथी वाली है लाल टिंकरबेल, वो अग्नि है, गुस्से से भरी, क्रोध से भरी, उसे बहुत गुस्सा आता है। और ये लाल वाली टिंकरबेल हमें कहाँ मिलेगी? शायद हमें उसे ढूंढना चाहिए। टिंक, यहाँ तुम्हें एक बहुत जरूरी काम सौंपने आई है, तो ध्यान से सुनो। लेकिन टिंकरबेलवा, तुम तो वैसे पीटरवा का साथ देती हो ना, और हमरे खिलाफ। ठीक है टिंकरबेल, हम लोग सुन रहे हैं। ये बहुत ही आसान काम है, तुम भी कर सकते हो। ये कैप्टन किससे बात कर रहे हैं? देखने में आई को तो वो परी टिंकरबेल लगती है, लेकिन थोड़ी वियर्ड सी है। हाँ। आओ, शायद उसने ललिता का ब्यूटी ब्लॉग देख लिया होगा, कच्चप का मेकअप किया है। काम की बात करें, मुझे वेंडी से छुटकारा चाहिए। इतना तो तुम कर ही सकते हो, है ना? तुम एक लुटेरे हो, यही काम है तुम्हारा, है ना? बोलो। हाँ, बदतमीज चींटी। अब कप्तान वा, ये वेंडी लंदन में रहता है ना? लंदन? कप्तान वा, हमने सुना है लंदन में चमकते दमकते खजाने हैं, हीरे से जड़े मुकुट भी है, तो किसी ने लुटेरे भी देखे नहीं है। इतनी प्यारी परी की मुसीबत हल करने में मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वेंडी बिटिया को यहाँ पूरा रक्षण मिलता है उस पीटर पैन की चिल्लर पार्टी का, और उनके जादुई ताकतों का, और हाँ, सावधानी के तौर पर हमारे हमले की कामयाबी के लिए हमें वेंडी पर लंदन में वार करना होगा, जहाँ वो निहत्ती होगी। लेकिन हमें उड़ना तो आता नहीं। अहा, तो तुम्हें बस यही चाहिए? हाँ लाल परी। अरे मैं ऊपर को डूब रहा हूँ, कोई रस्सी फेंको। अरे ये कोई सपना है क्या? मैं वाकई में उड़ रहा हूँ। अपुन तो उड़ रहा है। सुपर इजी है। ये काम तो आई अपने पुश्तैनी घोल से ही कर लेता। ऐसे हवाओं में उड़ने की मजा ही कुछ और है। काश ललिता मेरे साथ होती, हम डक्की चुकी करते। आए, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत ही लाजवाब। चलो फिर लंदन चलते हैं, दाहिने ओर से दूसरा तारा, कोई गड़बड़ मत करना। वो कहाँ जा सकती है? हाँ, वो लंदन क्यों जा रही है? हाँ, वेंडी! हा
तैयार हो जाओ मेरे प्यारे साथियों, जल्द ही लंदन हमारे कब्जे में होगा। ऐसे मैं चलाऊंगा। हाँ, तुम्हारे टेबल में तो नहीं है। वो यहाँ भी नहीं है। हे दोस्तों, टिंकरबेल को देखा तुमने? वो वेंडी से काफी नाराज लग रही थी और फिर वो चली गई। और वो तीन टिंकरबेल, ऐसी चार है लेकिन हमने एक खो दी। कैप्टन वाह, अरे हम तो पहुंच गए। आओ, डाकू चुकी का बात है। अरे उई माँ, हम पहुंच गए इसमें लंदन। वाव, थैंक्स टिंक। तुम ठीक तो हो ना? मैं और उड़ नहीं पा रही हूँ, थक चुकी हूँ। लाल टिंकरबेल ने हमारी सारी जादुई ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। अगर वो ऐसे ही जादू बर्बाद करती जाएगी तो शायद हम भी गायब हो जाएंगे। हमें उसे ढूंढना होगा, वो भी जल्दी। उतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो साइज में छोटी होगी लेकिन वो एक जगह रुकती नहीं। माइकल, तुम मॉम पर नजर रखना, वो कुछ ही देर में आकर चेक करेंगे कि हम सोए हैं या नहीं। सब संभाल लेना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, यस मैम। व्हाइट टिंक और मैं पूरे घर की तलाशी लेंगे। लो टिंक और मैं आसमान में जाके ढूंढते हैं, और ब्राउन टिंक और मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। नेवर ट्राइब में एक बहुत पुरानी प्रथा है जो कि प्रकृति और चारों तत्वों पर आधारित मिल गया। तो तत्वों की प्रथा जो मिलती है प्रकृति की ऋतुओं से और आध्यात्मिक और भौतिक मेल से। लेकिन हमें सुनहरी चील, ज्वालामुखी और एक झील लंदन में कभी नहीं मिलेगी। वो सारी चीजें प्रकृति को और पूरी दुनिया की ऋतुओं को मिलाने के लिए है। हमें बस चार छोटी परियों को मिलाना है। माइकल, क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ ले लो, कोई बात नहीं। ये है हमारी चीज। अब हमें एक ज्वालामुखी ढूंढना है। तुम्हें यकीन है तुमने लाल टिंक को यहाँ देखा है? वो देखो। अच्छा मजाक था। हमारे पास इन सब चीजों के लिए अभी वक्त नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें अच्छे मजाक की कदर ही नहीं है तो क्यों ना तुम घर पैदल ही चले जाओ। वेंडी, वो वहाँ है। चलो चलते हैं। टिंकर बेल। अलग अलग हो जाते हैं, मैं राइट से जाती हूँ, तुम लेफ्ट से जाओ। हो रही। वेंडी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। वो रही नीचे। टैंक, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। टैंक अपनी मदद खुद कर लेगी, समझी? कम हो रही है, उसने बहुत ज्यादा फेरी डस्ट यूज कर लिया है, वो शायद थक गई है। ये सब हो जाए तो मुझे जगा देना, अगर मुझे 12 घंटे की ब्यूटी स्लीप नहीं मिली तो मेरी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। सुनो टिंकरबेल, ये बहुत जरूरी बात है, तुम खतरे में हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, यहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी खतरे में नहीं हूँ। ओ नहीं, कैप्टन हुक। वो देखो, आखिरकार हमें जो चाहिए था वो मिल ही गया, है ना टिंक? टिंक? हाँ, क्या बात है?
मेरा जाल कामयाब हो गया, वेंडी को कोई नहीं बचा पाएगा। हम उस प्यारी नन्ही लड़की पर क्यों वार करें जब तुम हमें लंदन तक लाई हो। इस जगह को तहस नहस कर देंगे, ये जगह बिल्कुल नहीं बचेगी और कौन रोकेगा हमें यहाँ। लंदन के टॉवर के लिए निकलते हैं स्मी, हमें हीरे जड़े मुकुट हासिल करने हैं। मैं हुक और उसके छछुंदर पायरेट्स को अकेले नहीं संभाल सकती। ठीक है, सभी टिंक्स को पहले संभालना होगा और लुटेरों को बाद में देख लेंगे। एक चील, एक ज्वालामुखी, तालाब और पहाड़, मेरे पास प्रकृति है, मतलब उसका मिनी वर्जन तो है ही, उससे काम तो बन ही जाएगा। अपना बेस्ट दो जॉन, चाहे वो जो भी हो, हमें शहर को उन गनचक्कर पायरेट से बचाना होगा। पीटर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बात यह है कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा। ऊपर और ऊपर। ओला बहुत आसान है। आगे ध्यान दो वेंडी, अपने प्लान पर ध्यान दो ना कि उड़ने पर। ये काम कर रहा है। पीटर पैन आ गया। दुनिया के सबसे बड़े खजानों में से एक अब हमारी पहुंच में है, इस बात पर तो आतिशबाजियां होनी चाहिए। वो टावर ऑफ लंदन पर पहुंच रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, चुपो। कहां गया वो? किसी को ढूंढ रहे हो हुक? पकड़ लो इस बदमाश को। आए कैप्टन वा, वो ब्लेंडी हमारा एंकर गिरावत रही। उस लड़की को तुम संभालो, मैं इस पीटर पैन को देखता हूँ। कमाल की बात है ना कि मैं उड़ सकता हूँ और तुम नहीं। इतनी ऊंचाई से एंकर गिरा क्यों रही हो? कोई फायदा नहीं, नीचे तक पहुंचेगा नहीं राधा रानी। आओ ललिता, हाय डकी चिकी। मैं हार नहीं मानूंगा। अभी ख्याल बदल देता हूँ तुम्हारा। अरे तुम्हें क्या लगता है पीटर पैन, तुम आसानी से बच सकोगे? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आओ। तुम तो गम की जैसे चिपक ही गए, मेरा पीछा छोड़ दो चपड़ गंजू। आओ, हाय, आओ, मेरा जी घबरा रहा है, कितने ऊपर आ गया हूँ। ये मिक्सचर रेडी है। मैं भी तैयार हूँ। हमारे मिक्सचर का मेल बचा लो हमारी दोस्त टिंकरबेल। काम नहीं बन रहा, टिंकरबेल को होश नहीं आया। जॉन रुको, इनके पवित्र डांस का क्या? बेकार की बात मत करो माइकल, डांस से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैं करूंगा। हुम्बा 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 पा, 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 हुम्बा 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 पा। कैसे हो दोस्तों? काम बन गया। डांस पे चांस ले लिया, यो। हाँ, जो हो रहा है उसे तुम रोक नहीं पाओगे पीटर पैन, समझे? पीटर,
मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। वेंडी, अब खेल खत्म होगा। पहले उड़ना तो सीख कर आते जोकरो। हम टिंकर फेरी डस्ट के लायक नहीं है। क्यों क्यों नहीं? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं हुक, जाओ नेवरलैंड लौट जाओ इसी वक्त। अच्छा ठीक है, ऐसे मुझे डांटो मत पीटर पैन, डांटो मत। कैप्टन वाह, ये परी का पाउडर कब तक असर करता है? अच्छा सवाल है। आओ। तो वो हीरो से जड़ा मुकुट कहाँ है कैप्टन? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? उठ जाओ बच्चों। सोना है। चलो भी सुबह हो गई है। नहीं, हमारी नींद नहीं पूरी हुई। देर रात तक जगने से ऐसा ही होता है। किसी ने देखी मेरी कॉफी कहाँ गई?